नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। खबर है पीलीभीत से। जमीन खरीदने के बदले दिए चेक से धनराशि लेने गए युवक को नहीं मिली धनराशि, चेक हुए कैंसिल। ताजा मामला पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम भगवंतपुर उर्फ भीमपुर के निवासी सुखदेव सिंह पुत्र लखवीर ने अपनी गाँव की जमीन दिनांक 13 फरवरी 2020 को नरेंद्र पाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह ग्राम हर सिंह को 16 लाख रुपए में बेची। नरेंद्र पाल ने सुखदेव को चेक दिए। चेक लेकर सुखदेव सिंह बैंक पहुंचे तो नरेंद्र पाल के खाते में रुपए ना होने के कारण चेक कैंसिल हो गया। चेक कैंसिल की बात सुखदेव सिंह ने नरेंद्र पाल से कही कि आपने चेक देकर मुझे गुमराह किया। इस पर नरेंद्र पाल ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर सुखदेव ने नरेंद्र पाल के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा पंजीकृत कराया, जिस बात से नरेंद्र पाल सुखदेव सिंह से दुश्मनी मानने लगा और नरेंद्र पाल ने लेखपाल से शिकायत करके जमीन को विवादित दिखाया और सुखदेव सिंह के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दिया। सुखदेव सिंह का कहना है कि उन पर हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है तथा सुखदेव सिंह ने अपनी व अपने परिवार वालों को जान का खतरा बताया। जो विवादित जमीन बताई गई है, उस जमीन पर इस समय कोई भी फसल नहीं खड़ी है। नरेंद्र पाल ने प्रार्थना पत्र देख विवादित जमीन में फसल होने का दावा किया था। सुखदेव ने अपनी माता के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उन पर लिखे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और प्रार्थी ने न्याय की गुहार लगाई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम सुखदेव सिंह है। क्या हुआ आपके साथ? सर जी, हमने 13 तारीख दूसरा महीना 2019 में 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन अजमेर सिंह के पुत्र नरेंद्र पाल को बेची थी और उसका चेक द्वारा पेमेंट नहीं मिला और ना जो चेक के ऊपर के पैसे थे उसका लोन था जो जमीन पे, ना हमारा कोई लोन उतरा है। कितनी जमीन थी आपकी? जी 1 एकड़ 20 डिसमिल। अच्छा, तो उसके बाद में साहब हमारे साथ में इन्होंने हमने इसका मुकदमा पीलीभीत में सिविल जज में पेश कर दिया। उसके बाद में इन्होंने इस जमीन पे 145 और 46 का मुकदमा दर्ज कर दिया और इस जमीन ने अब इस समय कोई भी फसल नहीं खड़ी और 25 तारीख 8वें महीने को इसने फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और साहब, हम इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारी पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा, वो एक आतंकवादी आदमी है और शक्तिशाली आदमी है, उससे सब दुनिया डरती है। शिकायत वगैरह आपने कहाँ कहाँ की? साहब, हमने शिकायत आज पीलीभीत में एसपी साहब के यहाँ, हमने और हमारी माता जी दोनों गए थे, माता जी ने शिकायत करी है, उसका कोई अभी हमें जवाब नहीं मिला। अच्छा जी, और किसी अधिकारी से शिकायत की? पूर्णपुर अधिकारी को दो बार हमने पुलिस प्रशासन को शिकायत करी है, अपनी तहरीर वगैरह दी है कि हमें उससे खतरा है, हमें वो मार सकता है, हमारे परिवार को खतरा है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारी नहीं करते हैं। 24 घंटे उन्हीं की कार्रवाई करते हैं। अभी हमारे पे 25 तारीख को मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने दर्ज कर दी गई है शिकायत। कर सारा पैसे हमारे खाते में पड़ नहीं पाए, हम बहुत परेशान है, हमारी जमीन भी बिक चुकी, हमें पैसा भी नहीं मिला, हमारे लोन भी नहीं साफ उतरे। हमारी कृपया करके मदद करी जावे, हमारी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही।